आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज है आपका 5 मार्च और सीजीएल के 2 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा और इसका संपूर्ण पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम सक्सेस की 98 पर जो है वो मिल जाएगा। तो वहां से आप सभी जाकर आप सभी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं वो 100% जो है वो रियल क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और एक बात, क्लास के टाइमिंग को एक बार आप सभी नोट कर लेना, रात को 8 बजे स्टैटिक जीके चौथा क्लास, 10 बजे रीजनिंग, 11:30 बजे आप सभी का करंट अफेयर का रिवीजन, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया हुआ था वह है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एग्जाम में था और यह किया गया था आपका 1913 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो यह है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था किस विटामिन की कमी से मूंग का एनेमिया होता है, आपको बताना है। तो B12 विच विटामिन डिफिशियंसी लीड टू फेटल एनेमिया, और आंसर क्या होगा आपका B12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने कितनी बार लगातार सैफ जीता है। आप सभी को बता दूं यहां पर महिलाओं को लेकर बात हो रहा है और यह जीता है आपका 5 बार इंडिया ने, ठीक है। अगला प्रश्न इस बार का भी जो है वो इंडिया ने ही जो था वो जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इंडस वाटर ट्रिएटी डेट कब था, आपको बताना है। इंडस वाटर ट्रिएटी डेट क्या था, सितंबर 1960। यहां पर 0 मिसिंग है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन ये था आपके एग्जाम में आज का कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको हम लोग स्वर्ण नगरी बोलते हैं, गोल्डन स्टेट। आपका क्वेश्चन इस प्रकार था, सभी को पता है जैसलमेर राज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो आपको मैं बता रहा था एग्जाम में बनेगा, मतलब बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है उपराज्यपाल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन जलियांवाला बाग से ही कुछ था रिलेटेड, अब क्या था मुझे पता नहीं, शायद डेट ही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो जलियांवाला बाग को ही लेकर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी दक्षिण भारत की नदी है, तो गोदावरी सभी को पता है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं भैया यहां पर पूछा गया था भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो सभी को पता है गंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में था, जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार हाल फिलहाल में दिया गया है, और वो दिया गया है आपका पोली उमरीगर पुरस्कार। और क्वेश्चन किस प्रकार था मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा गया था कि कौन से खिलाड़ी को पोली उमरीगर अवार्ड दिया गया है, तो आंसर क्या होता आपका, जसप्रीत बुमराह, इंडियन टीम के बॉलर है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो सभी को पता है 139 जो है भैया वो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या था मैंने पहले आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहां से इसका शुरुआत हुआ था, तो इसका शुरुआत आप सभी को पता है कहां से हुआ था, मुंबई से, ठीक है। लेकिन आपको मैंने यहां पर डेट भी जो है वो मेंशन कर दिया है, 9 अगस्त 1942। बहुत जन बोलेंगे 8 अगस्त, लेकिन 9 अगस्त आप मानकर चलना, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कहां से इसकी शुरुआत की गई थी, तो मुंबई से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा कानून में कहा गया है कि सभी गैसों की समान मात्रा, समान तापमान और दबाव पर समान अणुओं की संख्या होती है, तो सभी को पता है एवोगैड्रो लॉ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर यह मैं कल ही बोल रहा था रात को कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसको देश का सबसे अच्छा
प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था करेंट अफेयर में रात को 11:30 बजे वाले ही क्लास में अबरडीन जो आपका अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पोंगल त्योहार के अगले दिन का नाम क्या है। अगले दिन ने यहां पर पूछा गया चौथे दिन का नाम क्या है। आप सभी को पता है तमिलनाडु का त्यौहार है आपका पोंगल त्यौहार, इसके चौथे दिन को क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, कन्नूम पोंगल, ठीक है। ये कहां का त्यौहार है, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आज का ये था आपका, विश्वास स्कीम का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना था, ठीक है। तो बहुत जन ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर था, बहुत जन आंसर नहीं दे पाए होंगे, तो एक बार आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करवाया हुआ क्वेश्चन, 107वां विज्ञान कांग्रेस विषय क्या था आपको बताना है, 107 साइंस कांग्रेस का थीम क्या था, और ये कहां पर किया गया था आयोजन। तो सभी को पता है बेंगलुरु में इसका आयोजन जो है भैया वो किया गया था, और थीम क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है आपका, तो वो है आपका नंदापा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ओपन थिएटर का नाम बताना था, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया उड़ीसा में, क्या नाम था उसका, धनु यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था आज के एग्जाम में, वल्लम काली केरल में एक पारंपरिक त्यौहार है जो नौका है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था कौन सा ट्रेडिशनल बोट रेस है जो केरला में अभी हाल फिलहाल में मनाया गया, तो नाम क्या था आपका, वल्लम काली, ठीक है, याद रखिएगा। जेन्यून क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेबी के एग्जीक्यूटिव हेड का नाम पूछा गया, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कल रात को मैंने बोला था, ये होता है क्वेश्चन का क्वालिटी जो सीजीएल को पूछना चाहिए था लेकिन पूछ नहीं रहा है। याद करो कल रात को 11:30 बजे ही मैंने इसके बारे में ठीक ऐसे ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, कहा के पुलिस को जो है वो राष्ट्रपति के कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैंने कल बताया था गुजरात के पुलिस को रात को 11:30 बजे। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले की स्थापना कब हुई थी, तो 1734 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बात, रविवार को शाम को 6:00 बजे टोटल 1200 से 1500 क्वेश्चन का पूरा टोटल क्लास आपको दिया जाएगा, तो डेट याद रखना सक्सेस की 98 पर रविवार को शाम को 6:00 बजे। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर शर्मा जिनको हाल फिलहाल में बाल कौतुक पुरस्कार दिया गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो बच्चा जो है वो योग से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रौद्योगिकी संबंधी पानी का आविष्कार किसने किया है, अभी हाल फिलहाल का न्यूज है दिसंबर महीने का, आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, युवा सम्मेलन किस व्यक्ति के जन्मदिन पर आयोजित किया गया है, तो सभी को पता है स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को भैया हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यहां पर पूछा गया था आप सभी को, स्टडी ऑफ फीट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपसे एग्जाम में आज क्वेश्चन था, और क्या कहते हैं, पोडियाट्रिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी स्क्वायर कब एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, इसको हम लोग बीबीडी बाग भी बोलते हैं, क्या कब किया गया था, 1830 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस के द्वारा किया गया था, आज के एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन से रूलर के द्वारा, तो पल्लव किंग, बस आप आंसर था ऑप्शन में था, आप इतना बोलते आंसर आपका निकल जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा रंग सूरज द्वारा उत्सर्जित होता है, तो सादा व्हाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 बी, क्या बोलेंगे, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338 बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला, यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या बोला है आपको, एम्प्यूटी कौन था,
तो वो आपका अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, बहुजन बिछेंद्री पाल बोलेंगे, लेकिन वो एम्पूटी नहीं थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अलाई दरवाजा इन दिल्ली, ये जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था आपका अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो संबंधित है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोजिशन, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन? कॉमन क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने नहीं, तो ये थे टोटल आपके 37 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। 13 क्वेश्चन छूट गए, वो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं ना, संडे को शाम को 6 बजे महा क्लास होने वाला है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, रामबाण है। तो संडे शाम 6 बजे याद रखिएगा टाइम, और इसका पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पर जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप सभी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी वहां पर जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी क्लास का टाइमिंग पता है, रात को 8 बजे मिलते हैं आपके स्टैटिक जीके वाले टॉपिक के साथ, ठीक है।